नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और जिस कार में आज मैं बैठा हुआ हूँ, ये कार कभी इंडिया के लिए एक तरह से अलग अपनी खूबियां लेकर आई थी। और ये कार जहाँ से गुजरती थी वहां से लोगों की नजरें जो है वो हटती नहीं थी। लेकिन क्या हो गया कि इसकी सेल जो है वो डाउन हो गई है, इस वीडियो के अंदर ये भी बात करने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो का डिटेल वॉकअराउंड जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। और ये कार जो है जब लॉन्च हुई थी तो पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से एक अलग खलबली मच गई थी। और दूसरी चीज क्या है कि ये एक मिनी एसयूवी के रूप में भी जानी जाती थी। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि इस तरह के वीडियो जो है और आपको देखने को मिलते रहेंगे। आज मैं मंजू मोटर्स रामगढ़ आ चुका हूँ और ये रेनो की शोरूम है। और यहाँ पे आज आप देख सकते हैं कि तीन गाड़ियाँ जो है रेनो की तीनों खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइबर, इधर बीच में है क्विड और उधर है टाइगर, तीनों गाड़ियां है। लेकिन इन तीनों के बीच में मैं आपको रेनॉल्ट की ये जो बीच में जो कार दिख रही है, ये है रेनो की क्विड। इसका एक डिटेल रिव्यू आज आपको देने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग जो है इस कार के दीवाने हैं। और सबसे पहली कार ये थी जिन्होंने अपने एंट्री लेवल हैचबैक कार में जो है अपनी एक अलग क्रांति लाई थी। और ये जो कार है ये अपने अनुसार से एक अलग सी फील लेकर आई थी एसयूवी वाली। तो चलिए फिर देखते हैं इस कार में आपको अभी कौन कौन सी चीज़ें ऑफर की जा रही है और क्या इस कार के बिकने के मेन रीजंस हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी की देखें तो इस तरह से की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं इस ढंग से। यहाँ पर अगर आप देखें तो रेनो की क्विड जो है इसमें आपको 800 सीसी और 1 लीटर दोनों इंजन जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप बेस मॉडल वगैरह लेते हैं तो आपको वहाँ पे 800 सीसी की इंजन मिलती है। और टॉप मॉडल आप लेते हैं यानी कि क्विड के क्लेम्बर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 लीटर की इंजन जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट की लुक देखें तो इस तरह से कुछ लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ऑन रोड प्राइस के लिए यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर से आप इसके ऑन रोड प्राइस जो है वो भी आप जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखें तो यहाँ पे मिल जाती है आपको क्रोम इंसर्ट, बीच में मिल जाता है आपको रेनो का लोगो और इस तरह से कुछ मिलते हैं फ्रंट के लुक जो कि काफ़ी बढ़िया है। एक मेन रीजन है इस कार के बिकने का वो है इसकी लुक, क्योंकि जब ये मार्केट में आई थी तो एक अलग सी लुक लेकर आई थी और मिनी एसयूवी बहुत सारे लोग इसको बुलाने लगे थे। और यही कारण है कि ये रोड में जब चलती थी तो नई नई में एक नज़र जो है लोगों की इसके ऊपर आ जाती थी। बाकी आप यहाँ पे साइड की लुक की बात करें तो इस तरह से लुक आपको देखने को मिलती है। और ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm की मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। और यहाँ पे अब जो है BS6 फेज 2 में कुछ कुछ बदलाव भी किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो व्हील कैप जो है वो अब एकदम नई सी आपको मिलती है और आपको एलॉय व्हील वाली अब पूरी फीलिंग्स जो है वो आपको देने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको C8 के टायर मिल जाती है। और यहाँ पे टायर साइज की अगर आप बात करें तो मैं टायर साइज आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 165/70R14 के टायर जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है C8 की। बाकी आपको यहाँ पे ORVM जो है वो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाती है। हालांकि ORVM जो है वो आपको मैनुअल फोल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन टर्न इंडिकेटर अब यहाँ मिल रहे तो काफ़ी बेहतरीन जो है वो अब हो गई है। पहले जो है आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिलती थी, ये जो यहाँ पे हाउसिंग छोड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन अब जो है आपको इनबिल्ड मिल जा रही है तो काफ़ी बढ़िया है, आपको ORVM में ही मिल जाते हैं। बाकी और ये कार जो है डुअल टोन में है, ऊपर देखें तो आपको ब्लैक जो है पूरी रूफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनबिल्ड रूफ रेल जो है वो आपको मिलती है और ये लुक जो है काफ़ी अच्छी आपको देने वाली है। तो कुछ इस तरह से फ्रंट से और साइड से लुक जो है वो आपको देखने को मिलती है। वाशर की बात करें फ्रंट में तो आपको एक ही वाशर मिल जाते हैं, लेकिन इसकी फ्लो काफ़ी अच्छी जो है वो आपको मिलती है। ऊपर नॉर्मल एंटीना जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी आप रियर की बात करें तो कुछ इस तरह से रियर की लुक जो है वो आपको देखने को मिलती है। टेल लैंप वगैरह आप देख सकते हैं, इस तरह से टेल लैंप जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको डिफोगर या रियर वाइपर वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलते हैं, आप टॉप मॉडल में भी आते हो तो भी। और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको मिल जाती है, क्विड की बैजिंग मिल जाती है। क्रीन सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि बूट कितनी बड़ी है, तो बूट कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। अभी भी कुछ शिकायत इस कार से हुई जुड़ी हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। और वो पहली शिकायत है यहाँ पे कि यहाँ पे देखे तो बूट को कवर जो है वो नहीं किया गया है, जो काफ़ी खराब मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर आप वेट वाला चीज़ रखते हो तो ये स्क्रेच जो है वो हो जाती है। तो ये थोड़ी सी
कवर जो है वो होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी आप देखें तो कोई भी कवरिंग वगैरह नहीं की गई है, हालांकि नीचे तो चलिए ये रहता है लेकिन ऊपर जो है कवर होनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिलती है, तो ये चीज़ कवर होती तो ज़्यादा बढ़िया था। पार्सल ट्रे वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, पार्सल ट्रे होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं एक्सटीरियर इसकी, इस तरह से देखने को आपको मिलेगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कार आपको कैसी लगती है, अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो इस कार की कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। और क्लेमर की बैजिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, तो इस तरह से कुछ लुक वगैरह आपको एक्सटीरियर में देखने को मिल जाते हैं। चलिए इंटीरियर में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती है। डोर की बात करें तो कुछ डोर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। बॉडी कलर में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है वाइट में, और यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी कॉइन होल्डर, डोर ओपनर जो है वो भी आपको देखने को मिलती है। बाकी सीट की कुशनिंग कम्फर्ट जो है आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। एक एंट्री लेवल हैचबैक में बहुत ही अच्छी मुझे लगता है कि सीट की कुशनिंग कंफर्ट जो है वो आपको ठीक मिलती है। सीट को आप टू वे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको आप इसको हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी क्लच ब्रेक एक्सीलेटर के बीच में ठीक ठाक स्पेस है, बोनेट को आप यहां से ओपन कर सकते हो। फिर लीड वगैरह यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर से आप टेलगेट को भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर देखें तो ORBM के स्विच दे दिए गए हैं जिसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग आप देखें तो स्टेयरिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलती है। यहाँ पे आपको कंट्रोल जो है वो भी ऑडियो से रिलेटेड दे दिए गए हैं, पहले आपको नहीं मिलती थी जो कि अब आपको मिल जा रही है। कि इंसर्ट करता हूँ BS6 फेज टू में 3-4 चीज़ें जो हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख ले कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। कुछ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। मैं की को फिर से रिमूव करता हूं और इंसर्ट करता हूं, तो यहां पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहां पे सेफ्टी से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। यहां पे आप देखें तो बड़ी सी टच स्क्रीन सिस्टम जो है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो दे दिए गए हैं। यहाँ पर से आप चारों डोर को लॉक कर सकते हैं, हैजर्ड लाइट की स्विच आपको यहाँ पे मिलती है। कुल मिलाकर अगर फ्रंट के डैशबोर्ड की बात करें तो काफी बढ़िया डैशबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलती है। मजे की बात और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ी ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलती है, पूरी हाथ जो है ये आपकी पूरी अंदर आ जाएगी। तो इतनी बड़ी ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाइक की वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, को ड्राइवर साइड और IRVM जो है वो आपको इंड नाइट वाली देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको एक केबिन लैंप जो है वो प्रोवाइड किया गया है, माइक यहाँ पे दिया गया है, और इधर भी कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, यहाँ पर आपको मिलते हैं USB और OX के पोर्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिलती है। गियर नोब आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ गियर नोब देखने को मिलती है, इस तरह से सिंपल जो है वो आपको सेंट्रल कंसोल जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह के कुछ फ्रंट की लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्लेम्बर लेते हैं तो यहाँ पे सीट में ये पूरी स्ट्रेचिंग जो है वो की गई है, यहाँ पे क्लेम्बर की बेजिंग जो है वो की गई है, तो काफ़ी अच्छी लगती है ये सीट। तो इस तरह से कुछ फ्रंट का लुक है। चलिए रियर पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। आप इस कार की बात करें तो अगर इस कार की सेल अगर डाउन हुई है तो इसके दो ही तीन रीज़न मुझे समझ में आते हैं। एक तो इसके कोई अच्छी बाद में फेसलिफ्ट वगैरह नहीं आई है, और दूसरी इसके इंजन और इसके सेफ्टी रीजन जो है वो भी कई जगहों पर अब जो है इसको सेल डाउन करने में हाथ अपना बढ़ा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देखें तो इस तरह की डोर जो है वो आपको देखने को मिलती है, पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे डोर ओपनर जो है वो आपको क्रोम इंसर्ट में देखने को मिलता है। बाकी सीट रियर की देखें ठीक है, फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलती है, इसको आप होल्ड जो है वो आप 100% कर सकते हैं। बाकी इस तरह की कुछ सीटिंग कम्फर्ट जो है वो आप देखें, यहाँ पे नी रूम और इधर हेडरूम से कोई भी समस्या नहीं है, और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, इस कार की सेल जो है पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डाउन हुई है, उसके मुझे तीन कारण समझ में आते हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये सही है या नहीं है। मुझे जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसके सेफ्टी जो है वो आपको काफ़ी ख़राब मिलेगी, हालाँकि इस सेगमेंट की सेफ्टी किसी भी कार में नहीं मिलती, जैसे ऑल्टो को ही ले ले, लेकिन ऑल्टो एक भरोसेमंद कार बन चुकी है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे इसकी एक वो रीजन है। दूसरी इसके इंजन जो है 800 cc वाली इंजन को अगर आप इतनी गर्मियों में चलाते हो विथ AC के साथ, तो थोड़ी सी वो पावर के साथ समझौता आपको करनी पड़ेगी।
तीसरी जो है इसकी फेसलिफ्ट बहुत दिनों से नहीं आई है, यानी कि फेसलिफ्ट आई ही नहीं है। थोड़े मोड़े कॉस्मेटिक चेंज या फिर थोड़े मोड़े डैशबोर्ड वगैरह में चेंज वगैरह किए जाते हैं, थोड़ी सी एक बढ़िया फेसलिफ्ट आती तो इसके सेल जो है अभी भी बढ़ते, ये मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बार बार मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।